क्या हो अगर अचानक आपका आधा शरीर जमीन के अंदर धंसने लगे। कहानी की शुरुआत में रेमी नाम के एक फ्रेंच पेंटर को दिखाया जाता है। एक दिन रेमी जब अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता तो उसे फील होता है कि जैसे वह कुर्सी के अंदर धंस रहा हो। लेकिन रेमी तो जानता नहीं था कि यह सब तो बस एक शुरुआत थी। रात को जब वह अपने बेड पर सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वह बेड उसे निगलना चाह रहा हो और वह उसके अंदर चला जाता है। इसके नेक्स्ट डे जब वह अपनी वाइफ के साथ सोफे पर बैठा होता तो वह सोफे के अंदर धंस जाता है। रात को रेमी नल बंद करना भूल जाता जिसकी वजह से उसका पूरा घर पानी से भर जाता है। वह सामान उठा रहा होता है कि तभी अचानक फिर से वह जमीन के अंदर धंसने लगता है और इस बार जब वह पानी से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि वह तो किसी और ही दुनिया में आ गया है। उस दूसरी दुनिया में एक नहीं बल्कि तीन सूरज थे। रेमी फिर से पानी में धंसने लगता लेकिन इस बार जब वह बाहर निकलता है तो वह अपने घर में वापस आ गया था। रात को जब रेमी किचन में होता था वह देखता है कि अचानक से समय रुक गया था। उसके पैरों के नीचे की जमीन किसी दलदल में बदल जाती है और कुछ ही देर में रेमी उसके अंदर धंस जाता है और इस बार फिर से वह किसी जंगल में पहुंच जाता है। जंगल के आदिवासी रेमी के पीछे पड़ जाते हैं और उनसे भागते समय एक जोर का ब्लास्ट होता है और रेमी फिर से अपने घर की रसोई में पहुंच जाता है।